कि अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली और गुजरात में हमको बहुत अच्छी कामयाबी मिली। मैं गुजरात की तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से अहमदाबाद की, गोधरा की, भरूच की, मोडासा की, जहाँ के लोगों ने हमको दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और पूरी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया और आज हमको कामयाबी मिली। ये जीत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत है, ये जीत हक की जीत है, ये जीत असद ओवैसी साहब की जीत है जिन्होंने आज एक बेड़ा उठाया है कि पूरे देश में वो हक की आवाज बनके घूमे। ये लोगों की मोहब्बत है असद साहब के प्रति जो दर्शाता है कि वाकई में लोग ने अब ये सोच लिया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और हम कांधे से कांधा मिलाकर इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं। पूरी गुजरात में आपने देख लिया, पहली मरतबा हम वहां पर जाके लड़े। 20 दिन की मेहनत में हमारे जो गुजरात के सदर है साबिर काबलियावाला साहब, मोडासा के जो सदर थे हमीद भाई, ये सब लोगों ने इतनी मेहनत की, वहां पर पार्टी को रजिस्टर किया और आज इस मकाम पे हम आए कि 20 दिन की मेहनत में मैं समझता हूं अहमदाबाद के अंदर 7 सीटों पर जीते, हमको गोधरा के अंदर 8 में से 7 सीट के ऊपर कामयाबी मिली, हमको मोडासा में 12 में से 9 सीटों पर कामयाबी मिली, भरूच में हमको 1 सीट पर कामयाबी मिली। तो ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है, ये पब्लिक की मोहब्बत है, ये एक नई तरफ लेके जाएगा गुजरात को, ये चेंज है, लोग चाहते हैं चेंज। लोगों के पास आज तक कोई ऑप्शन नहीं था, आज लोगों के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तरह एक ऑप्शन है, लोगों इस ऑप्शन को पूरी तरह से उन्होंने निभाया और वोट दिया। मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरी जानिब से असद ओवैसी साहब का कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और हमको गुजरात भेजा और इंशाअल्लाह ताला हम यकीन दिला दें असद साहब को, हम सब लोग कि इंशाअल्लाह हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिल जान से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं असद साहब। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जैसा हमारी बहन है रिजवाना खान, उनके हस्बैंड राविश, ये जितने लोग यहाँ हैं, ये सब तकरीबन गुजरात में 10-10, 12-12 दिन से रहे, इन्होंने अपनी फैमिली को सबको छोड़ के वहां चले गए और पूरी तरह मेहनत की। ये लोगों की असल मेहनत है, डोर टू डोर कैंपेनिंग ये करते थे, धूप के अंदर सुबह से निकलते थे, हर एक के दरवाजे पर जा जाकर लोग को समझाते थे कि देखिए सुनिए जमात का काम देखिए आप लोग, और लोगों को यकीन दिलाया और आज पूरे देश के सामने रिजल्ट है। तो मैं मेरी जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे साथ में आए यहां से मुंबई से, इमरान, यूसुफ, डेविड भी बहुत वहां पर मेहनत किया, भागम दौड़ी गया, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं यकीन दिलाता हूं गुजरात की आवाम को कि जो जो हमने वहां पर आपसे वादे किए, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हमारे जो कॉरपोरेटर जीत के आए वो बलदिया में पूरी तरह से खड़े उतरेंगे, आपका पूरी तरह काम करेंगे। बस आप इसी तरह हमको मोहब्बत और दुआओं से नवाजता रहिए और इंशाअल्लाह जो जीते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और जो हारे हमारे कैंडिडेट उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तुम इलेक्शन हारे हो, हिम्मत और हौसला नहीं हारे, आज हारे इंशाअल्लाह ताला कल जीतेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ना, काम करते रहो, हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ में, मगर कोशिश करते रहना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, ये हमारे हाथ में, आप लोग सब जमात के साथ जुड़े रहिए और इंशाअल्लाह कामयाबी आगे मिलेगी हमको। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग गुजरात में आए मेरे साथ, सबसे पहले इम्तियाज जलील साहब जो वहाँ के ऑब्जर्वर थे, वो अल्लाह उनको जल्दी से सेहत अता फरमाए, अच्छे तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जितने हमारे जाफर मेहराज साहब थे, सैयद मोइन साहब थे, मुश्ताक भाई जो असद साहब के पीए वो थे, जितने भी लोग हैदराबाद से आए, जितने भी लोग हमारे महाराष्ट्र से आए, औरंगाबाद से आए, हमारे बलदिया के कॉरपोरेटर आए, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सबने बहुत मेहनत की, हम सब इसी तरह एक साथ मेहनत करके इंशाअल्लाह ताला असद साहब के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत आगे लेके जाना है। पतंग, 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 पतं